हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कारा बाजू सरकारी नौकरी में। और आज की वीडियो है दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों ग्रुप डी के जो फार्म थे उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपको पता ही है। और उसमें टोटल जो कैंडिडेट थे वो 11 लाख थे, 11 लाखों ने यानी कि लिखित परीक्षा दी। अब मैं बात करूँगा यहाँ से, आपको बताऊँगा वन बाई वन की क्या प्रोसीजर रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के 18,000 से ज़्यादा पदों के लिए पिछले दिनों लिखित परीक्षा ली थी, जिसमें पदों में करीब 17 लाख युवाओं ने आवेदन किया, मगर करीब 11.5 लाख युवाओं ने यह परीक्षा दी। अब उम्मीदवार इसके अंतिम परिणाम आने की उम्मीद में बैठे हैं, क्योंकि यह चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। पिछले 14 साल में कोई भी सरकारी ग्रुप डी की भर्ती नहीं कराई गई है। तो दोस्तों पिछले 14 साल से कोई भी ग्रुप डी की भर्ती नहीं कराई गई है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने ये भर्ती बम्फर भरी भर्तियों में कराई हैं। भाजपा सरकार ने ग्रुप डी का कानून बनाया। आयोग ने 10, 11, 17 और 18 नवंबर को प्रदेश में ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित की। सभी परीक्षा केंद्र में कैमरों में CCTV कैमरे लगाए गए, उनकी ऑनलाइन कवरेज कराई गई। यह अलग बात है कि उम्मीदवारों ने ग्रुप डी का काफ़ी सख्त बताया। उनका कहना है कि दोस्तों जो ग्रुप डी का पेपर है वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का है, आयोग के लिए सबसे बड़ी लिखित परीक्षा थी। आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती ने कहा है ग्रुप डी लिखित परीक्षा ठीक तरीके से निपटी गई। तो दोस्तों कोई प्रकार का इसमें कोई घपला नहीं हुआ है, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और एक अच्छी प्रोसेस के साथ ये भर्ती क्लियर हुई है। और इसके जो परिणाम हुए जल्द ही आने के आपके बताया जा रहा है कि दिसंबर लास्ट में आपका जो है कि इसका जो आंसर, सॉरी दोस्तों पहले तो इसकी आंसर की आएंगी, और जो फाइनल रिजल्ट इसका दिसंबर लास्ट में आपको दिया जाएगा। तो जांच के लिए बुधवार को दस्तावेज किया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय पर बुधवार को तबला प्लेयर और जूनियर लेक्चर सहायक के पदों के लिए उम्मीदवार दस्तावेज जाँच के लिए पहुँचे। उन्हें कोई दिक्कत न हो मुख्यालय के बाहर टेंट लगाकर विशेष प्रबंध किए गए। आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती ने बताया कि सभी दस्तावेज की जांच ऑनलाइन कंप्यूटर पर की जाएगी। दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अच्छी बात है कि जो पहले आपको बाय फेस जाना किया कर, यानी कि आपको जाके पंचकुला जो हेड ऑफिस है उसमें आपको जाना पड़ता था, अब आपके जो ऑनलाइन हो जाएंगे। इसमें समय बचता है जब मौके पर विधि स्तरीय की जाती है। तो दोस्तों यही एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो आप तक शेयर की है। दोस्तों आप ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने एजुकेशन ग्रुप और शेयर जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं उस पर शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, हम हरियाणा से संबंधित हर वो वीडियो डालते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो। थैंक यू।